हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी कि हमारी जो वैक्सीन के जो टीके लगने वाले हैं 1 मई से 18 से 44 ईयर वाले व्यक्तियों को, उन सभी को एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही उन्हें टीके लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, जो अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको किस समय टीके लगवाने जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट आना है cowin.government। इस पर आने के लिए आपको अपने गूगल बार में सर्च करना है कोविन government.in, ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे ही आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है cowin.government.in पर। इस पर आते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है कि रजिस्टर इन योर सेल्फ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यह रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगना है और लगवाना है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वैक्सीन लगवानी है या आपके किसी अन्य सदस्य को लगवाना है तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपली गेट OTP पर कर देना है। गेट OTP पर करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है उस पर एक OTP जाएगा। यह OTP आपकी 3 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगी, तो इसलिए 3 मिनट ख़त्म होने से पहले आपको इस पर OTP डालनी है। OTP आने के बाद आपको वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे मोबाइल पर OTP आ चुकी है, यहाँ पर हम OTP डाल लेते हैं। ये इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर मेंबर लिखना है, यानी कि जो आप जिस मेंबर के बारे में लिखना है, यानी जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वह है आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी के लिए यूज ले जाना है उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, यानी कि जिसमें एज का उल्लेख हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई एक ऑप्शन चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको ये नंबर, जो भी आधार कार्ड पर नंबर रहेगा यानी जो नेम है, वो आपको डाल लेना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपको केवल ईयर का ही डालना है। जैसे कि अगर आपकी एज 0 यानी 1 जनवरी कोई भी संख हो या 2000 हो तो उसमें से आपको 2000 ही चुन लेना है। अगर 1978 है यानी कि आपकी जो एज है वो 25 जुलाई 1978 है तो केवल आपको 1978 ही डालना है। इसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि अपॉइंटमेंट नोट शेड्यूल, यहाँ पर आपको शेड्यूल टैग करना है, यानी किस समय आपको जाना है। इसके लिए आपको सिंपली नीचे आ जाना है, शेड्यूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो शेड्यूल नाउ दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। शेड्यूल नाउ पर करने के बाद आपको यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट यानी वैक्सीन के लिए जो अपॉइंटमेंट लेना है वो किस जगह पर, या आप यहाँ पर दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला तो आप उस एरिया का पिन कोड डालकर, दूसरा आप सर्च यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करके, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेट से हों, MP UP कहीं से भी हो, तो इसमें से आप अपना स्टेट चुन लें। चुनने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो हॉस्पिटल्स हैं यानी प्राइवेट या गवर्नमेंट सभी प्रकार के यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 1 मई 2021 के लिए जो 20 सीट खाली पड़ी हुई हैं, जो कि 45+ एज के लिए है, यानी कि मिनिमम कम से कम, तो यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो 18 से 44 ईयर वालों के लिए है। तो आपको इसमें देखना है कि आपका एज के लिए है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें मिल चुका है मिनिमम एज लिमिट फॉर बुकिंग यानी 18 ईयर, तो यहाँ पर एक जो कि
भी बुक होने को रह चुकी है तो आपको यहाँ पर बुक कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट का डेट यानी कि जिस जगह पे हमने किस समय जाना है यानी 9 से 11 के समय या 11 से 1 या 11 से 3 इनमें से आपको एक कोई टाइम स्लॉट चुन लेना है। इसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा इस प्रकार। तो इस प्रकार से आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कन्फर्म हो जाएगा। आपको उसी समय आपको उस जगह पर जाना है और वैक्सीन लगवानी है। ठीक है दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ही अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी के पास शेयर करें ताकि उनको यह जानकारी मिल सके और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट लेकर COVID-19 का वैक्सीन लगवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।